सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए राहत की खबर है। नमस्ते, मेरा नाम है वैभव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी खबर। सहारा निवेशक जिनके पैसे सहारा की चार सहकारी समितियों में फंसे हैं, उन निवेशकों को आज से उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि 4 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। 45 दिन में पैसों को वापस करने की बात कही थी, लेकिन 4 अगस्त यानी एक महीने में ही लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की जा रही है। सहारा इंडिया में फंसे तकरीबन 10 करोड़ से ज्यादा निवेशकों को सरकार के इस कदम से राहत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, सहारा की 4 सहकारी समितियों में डूबे लाखों लोगों के रुपयों को वापस लौटाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। आज सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से जमाकर्ताओं को उनकी राशि ट्रांसफर की जा रही है। सहारा रिफंड पोर्टल पर 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसमें से 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो चुका है। आज 112 लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार की पहली किश्त जमा की जा रही है, यानी आज से निवेशकों के खाते में पहली किश्त आनी शुरू हो जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से पहले चरण में करीब 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को 5000 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जाएगी। इन जमाकर्ताओं को पहली किश्त के रूप में 10000 रुपए का रिफंड दिया जा रहा है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।